हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। ये देखिए, ये जो कोटराइज की पैंट है ये काफी मुझे टाइट है। वैसे पहनने में फिटिंग ठीक है, पर ये ऊपर से भी काफी टाइट है और नीचे से भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई भी पैंट है, चाहे जीन्स की है चाहे ये सिंपल कोटराइज की है, तो उसे आप कैसे लूज करें वो आप इस वीडियो में देखेंगे। ये लाइक्रा स्ट्रेचेबल कपड़ा है जो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। सीक्वेंस का लाइक्रा कपड़ा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ये कपड़ा है। साइड से मैं पैंट को कट कर लूंगी, क्योंकि जो साइड में सिलाई लगी होती है मोटी, वो वाली हमें कट करनी है। ये पैंट भी मैंने ही स्टिच की थी कोटराइज की, तो ये अब मुझे टाइट हो गई है। इसे मैं साइड से कट कर लूंगी, और जो मोटी वाली डबल सिलाई होती है साइड की, वो मैं काट कर अलग कर लूंगी। ये देखिए, ऊपर से मैंने कोई इलास्टिक वास्टिक कुछ भी नहीं हटाई है, ऐसे ही कट कर दिया है। पूरा इलास्टिक ऊपर लगी हुई है ऐसे ही। ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है आपको। साइड से मैं ये जो सिलाई डबल है उसको अलग कर देती हूँ। ये देखिए, आप इसमें प्रिंट का भी कपड़ा लगा सकते हैं, आप इसमें कोई और भी कपड़ा लगा सकते हैं, पर आप जब जो भी कपड़ा लगाएं वो स्ट्रेचेबल ही लगाएं, बस यही आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कॉटन वगैरह का कोई लगा रहे हैं या कोई और प्रिंटेड लगा रहे हैं, तो उसको थोड़ा लूज करके लगाएं। तो ये हो गया जो ये सीक्वेंस का कपड़ा है। ये देखिए, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ये सॉफ्ट है। तो मैं इसे 4.5 इंच दो पट्टियाँ काट लेती हूँ, 4.5 4 इंच की। ये मैंने इसकी जितनी लंबाई थी उतनी लेकर इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, 4.5 इंच की। और आप अपनी चौड़ाई के हिसाब से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको 2 इंच की ही पट्टी रखनी है पतली सी, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो ये पट्टी मैंने इस तरीके से काट ली है। जो कपड़े की डार्क साइड है वो मैं नीचे रखूंगी। 4.5 इंच है ये, 2 2 इंच दोनों तरफ हो जाएगा। पैंट को आपको खोल लेना है। नीचे मैंने पहले ही कपड़ा लगा लिया था इसमें सीक्वेंस के, उसमें ये आपको ऐसे सिलना है ये, और इस तरीके से कर देना है, और एक और सिलाई लगा देनी है। ये मैंने दोनों तरफ इसको लगा लिया है। ये देखिए, थोड़ी सी और भी अच्छी फैंसी हो जाएगी हमारी जो पैंट है। अब इसको दूसरी तरफ भी आपको सिलाई लगाना है। ये इसको आप पलट लीजिए, ऐसे पलट कर आपको लगानी है। ये जैसे हम गोल सिलाई लगाते हैं पैंटों की, बिल्कुल वैसे ही लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर ये पलट जाएगा, और ये मैं यहाँ से इसको अच्छे से स्टिच कर दूंगी ऊपर। इसी में मैंने मोड़ने के लिए कपड़ा रख लिया है, पर मैं प्लेन कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ूंगी, कमर की तरफ, इसको ही नहीं मोड़ूंगी। यहाँ से ये सिलाई लगाते हुए जाऊंगी, क्योंकि स्ट्रेचेबल है काफ़ी कपड़ा, तो ना आपको बिल्कुल भी खींचना है कपड़े को, आराम से ऐसे रखते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मैंने ये सिलाई लगा दी है, ये 4 इंच का ये पीस पूरा लगा दिया है। और पैंट ये पहनने में बहुत ही सुंदर लग रही है, और इतनी सुंदर फैंसी और महंगी पैंट ये बन गई है। ये देखिए, दोनों तरफ से 2 2 इंच आ गया है। तो प्रिंट का कपड़ा लगा सकते हैं या कोई और भी, जो आपका आपके पास जैसा भी कपड़ा पड़ा हो वैसा ही। अब मैं इसको थोड़ा सा और फैंसी बनाऊंगी, तो इसमें मैं पेच वर्क का काम करूंगी। ये देखिए, कपड़ा है मेरे पास जो कि मैंने जैकेट में भी लगाया था, जीन्स की जैकेट में। तो इसको ही मैं कट करूंगी। जीन्स की जैकेट बनाई थी, उसकी पॉकेट में मैंने ये लगाया है, उसके कॉलर में मैंने ये लगाया है। साइड में आप पिक देखिए, ये जीन्स की जैकेट मैंने बनाई थी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैंने आपको सिखाई है, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। ये हो गया हमारा, और इसके अंदर जितनी भी नेट है ना वो आपको निकालनी है। ये आराम आराम से आप इसको बिल्कुल, पत्तियों को अलग कर लीजिए, फ्लावर्स को बिल्कुल अलग कर लीजिए। जब ही जो पैच है वो लगा हुआ सुंदर लगता है, अगर आप सीधा ही ऐसे कपड़ा काटते हैं, उसके चारों तरफ कपड़ा रहने देते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे आराम आराम से साइड से मैंने सारा कपड़े को, जो नेट है हमारी उसको हटा दिया। अगर कपड़े का पेच है, देखिए उसको थोड़ा सा, जो मोमबत्ती से उसको जला लीजिए, और अगर नेट है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर उसके धागे वागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल। ऐसे 2 3 पेच आप काटकर ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। आप जहां भी डेकोरेट करना चाहते हैं अपनी पैंट को वैसे कीजिए। जैसे कि मैं तो नीचे लगाने वाली हूँ, यहाँ पर लगा सकते हैं आप, क्योंकि मेरे टॉप वगैरह जो हैं वो ज़्यादा छोटे नहीं हैं,
तो अगर मैं ऊपर लगा देती हूँ तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, मेरी जो कुर्ती वगैरह है लॉन्ग है थोड़ी, तो नीचे की तरफ मैं इसको लगाऊंगी। एक और पेच सेम इसी तरीके से मैं काट लूंगी, जैसे ये मैंने कट किया है ऐसे देखिए। अब मैं इसे जितना भी दूर मुझे रखना है, बिल्कुल नीचे से नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर तक लगाऊंगी। ऐसे इसको मैं पहले कच्चा कर लूंगी, तो मैं इसे पिनअप कर लूंगी। आप इस पेज को सिलाई लगाने से पहले लगाइए, जैसे मैंने साइड में सिलाई लगा दी है, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं तो सिलाई इसमें देखिए लगा लूंगी, बट आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है, तो काफी सुंदर ये पैंट लग रही है, थोड़ी और अच्छा इसका लुक हो गया है। थोड़ी महंगी और भी लग रही है ये पैंट, पहनने के बाद और भी सुंदर लग रही है। अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि पहनने के बाद इसका लुक कितना सुंदर आया, और देखने में भी कितनी कंफर्टेबल लग रही है। जो घुटनों पे इतनी ज्यादा टाइट थी, थाई पे से इतनी ज्यादा टाइट थी, वो अब टाइट नहीं है। ऊपर से भी 2-2 इंच दोनों तरफ से, यानी 4 इंच लूज हो गया है। जीन्स की पैंट भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे कैसे डिजाइन वगैरह डाल सकते हैं। तो अब आप ये देखिए इसका लुक कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। किसी भी प्लेन सिंपल टॉप पे डाली जाएगी तो कितनी ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। आने वाली वीडियोस में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। साड़ी और ड्रेसेस वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, जो कि मैं बना भी रही हूँ और सेल भी कर रही हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और नया और अच्छा लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।